स्थान पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के कुटुंबियों से अच्छा नहीं था। परिवार में कलह रहता था। प्रतिदिन के कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माँ बाप भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुँचने पर ब्राह्मणी को बहुत प्यास लगी। ब्राह्मण पानी लेने गया। पानी दूर था, देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरा पाया। ब्राह्मण बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने ये स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहाँ से बहुत दूर एक नगर था। नगर के बारा में पहुँचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय बारा के कुएं पर एक लंगड़ा किंतु सुंदर जवान राहट चला रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली, वह भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, ये लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से दे दो। जब वहाँ से आगे प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से अनुरोध किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, बात करने को भी कोई नहीं होता। इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे? ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से कुएं में धकेल दिया। उसे मरा समझकर वे दोनों आगे बढ़े। नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पैटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीन कर खोला तो उसमें वह लंगड़ा छिपा था। ये बात राज दरबार तक पहुँची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है। अपने बंधु बांधवों से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकाले जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मणी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना वैरी है, इसे यहां से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा ने उसके वध की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, तूने इसका जो कुछ लिया हुआ है सब दे दे। ब्राह्मणी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया। ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है, सभी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। ब्राह्मण ने सारा वृतांत राजा को सुना। राजा ने कहा, पति पत्नी का संबंध विश्वास का होता है, ऐसा नहीं करना था इस स्त्री को। अब तुम्हें इस राज्य में रहने की आज्ञा मिलती है, पर उसने कहा, मैं अब अपने घर जाऊंगा। सीख, जैसी करनी वैसी भरनी, उस स्त्री ने जो किया उसको वैसा परिणाम भी भोगना पड़ा।